कल एक बहुत विद्वान जर्नलिस्ट मुंबई के हमारे पास आए, बहुत विद्वान, यूं कोई पत्रकार रहे, अभी भी हैं। उन्होंने हमको कहा, वो वैसे तो हमारे बहुत बागेश्वर धाम के बहुत बड़े डिवोटी हैं, बहुत बड़े साधक हैं, लेकिन उन्होंने एक बुद्धि के पूर्वक, कई लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते, उन्होंने हमसे पूछा, महाराज कैसे किसी के कर्म की गति किसी भी दरबार में मिट सकती है, ऐसा मुश्किल है। और प्रश्न बड़ा तार्किक था कि जिसने जो किया वह वो तो पाएगा ही पाएगा, पर ये दरबारों का नाटक, ये दरबारों में समय बर्बाद करना, ये लाखों की भीड़ जुटाना, ये लाखों लोगों का आना, ये तथ्य हमें समझ में नहीं आया। है तो वो हमारे शिष्य, लेकिन ऑन कैमरा पर जब चर्चा हो रही थी तब हमने उनको समझाया, श्रीमान बात तुम्हारी बहुत दमदार है कि जिसकी जिंदगी में जो किया है वो पाएगा, जिसने जो कर्तव्य के बीज बोए हैं उसका पेड़ वो फल पाएगा, वह बीज का फल काटेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, दरबार की क्या आवश्यकता है, फिर पर्चा की क्या आवश्यकता है, ये समय बर्बाद करना, नाटक नौटंकी करना क्या जरूरत है। हमने कहा, खबरदार, और हौस में आकर के बात सुनिएगा। वो बोले, बताइए। हमने उनको कहा, मेरे पागल, जिंदगी में जो किया है वो तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन किसी सदगुरु की दृष्टि या हनुमान जी की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति का बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाता और छोटा लक्ष्य बड़े रूप में परिणत हो जाता है। संकट को कौन मिटा सकता? बोले, संकट मोचन मिटा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि कर्म की गति नहीं मिट सकती। हम ये भी कभी अपने दरबार में नहीं बोलते हैं कि तुम दरबार में आने के बाद सुखी हो जाओगे, तुम दरबार के बाद में फिर संकट नहीं पाओगे, और इस अवस्था में तुम आना भी मत। तुम अगर हमारे दरबार में आए हो तो ये कामना मत लेकर आना कि अब हम दरबार से जुड़ गए तो कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये भूल है तुम्हारी। भगवान राम को विपत्ति भोगनी पड़ी, तुम अपनी छोड़ो। फिर आप कहोगे, फिर क्यों आना, फिर क्यों जुड़ना, फिर क्या आवश्यकता बागेश्वर धाम जाने की? मेरे पागल, मेरे बुद्धू होशियारचंद, जरा बुद्धि का प्रयोग कर प्यारे। हम मानते हैं कि तुम्हारी विपत्ति नहीं जाएगी, संकट नहीं जाएगा, पर यह भी बात नोट करके जा, मेरा प्यारे ये अनुभव है, अनुभव नहीं ये प्रमाण है, प्रमाण नहीं लाखों लोगों का तजुर्बा है कि जब जब विपत्ति आएगी उस संकट से लड़ने की सामर्थ्यता भी आ जाएगी। और दरबार सामर्थ्यता देता है, दवाइयां रोग नहीं मिटाती। मेडिसिन क्या करती है, डॉक्टर की दवा क्या करती है, रोग नहीं मिटाती है डॉक्टर की दवा, डॉक्टर की दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। उस रोग से लड़ने के जो सेल्स होते हैं उसको प्रकट करती, उत्पन्न करती, उनको बूस्ट देती है, उनको ताकत देती है, और रोग डैमेज हो जाता, मतलब सीधा सा है, अंधेरे को भगाने के लिए अनशन की आवश्यकता नहीं है, उजाला लाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जिंदगी में संकट को भगाने के लिए संकट भग जा भग जा भग जा भग जा ये कहने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में संकट मोचन बागेश्वर बालाजी को लाने की आवश्यकता है। वो बहुत चौंके, लगभग 25 मिनट का व्याख्यान था, और फिर अंत में वो चूंकि थे तो बागेश्वर धाम के ही डिवोटी भक्त, और अंत में तो फिर कल के बाद उनके दिमाग के तार खुल गए, और उन्होंने कल के बाद ये क्वेश्चन करना बंद कर दिया कि दरबार में आने की क्यों जरूरत है। अंत में उन्होंने अपने हमारे ही सामने मीडिया पर बोला कि जिंदगी में अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले पड़ गए, तुम्हें लगता है सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक विचारधारा की आवश्यकता है, तो चलो बागेश्वर धाम।